हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। सबसे पहले आप सभी को उगते हुए सूरज के देश जापान से मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो आज के ब्लॉग में हम जा रहे हैं USJ यूनिवर्सल स्टूडियो ओसाका। यहाँ से हमें लगभग कम से कम 1 से 1.5 घंटे लगेंगे कार में जाते हुए। तो टिकट हमने पहले ही ऑनलाइन बुक कर रखी है, तो ले चलता हूँ आपको आज अपने साथ। आप भी इंजॉय कीजिए। और ये है जी जापान का जो हाईवे होता है उसमें जो पार्किंग बनी होती है। अभी हम यहाँ रुके हुए हैं, तो ये आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में, ये देख लो। यहाँ आप टॉयलेट और खाने पीने की जितनी भी चीज़ें हो सकती है आप ले सकते हो, ये आप देख सकते हो। और बैक कैमरा और ये जो आप देख रहे हैं ये यूनिवर्सल स्टूडियो जापान इन ओसाका, ये इसका एंटर गेट है। और ये कार पार्किंग के बाद इसमें थोड़ा 10 या 15 मिनट लगते हैं चलते चलते। और ये यूनिवर्सल स्टूडियो है, यूनिवर्सल स्टूडियो जापान। इसका एरिया जो है 54 हेक्टर में है, मतलब 130 एकड़ में फैला हुआ है, जो 31 मार्च 2001 को पब्लिक के लिए ओपन किया गया था। यह दुनिया भर में 6 यूनिवर्सल स्टूडियो में से एक है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से बाहर खोलने वाला यह सबसे पहला यूनिवर्सल स्टूडियो था। यूनिवर्सल स्टूडियो यूनाइटेड स्टेट में फ्लोरिडा के लेआउट के हिसाब से बनाया गया है। ये सेम उसी के जैसा है जैसा US में है, उसी के हिसाब से जापान में भी बनाया गया है ये। और जब यूनिवर्सल स्टूडियो ओपन किया गया था तो इसकी ओपनिंग ईयर में 10 मिलियन लोग इसे देखने आए थे। तो ये है सर टिकट खरीद हुई, ये देख लो आप पीछे 886 यान की। और यूनिवर्सल स्टूडियो विश्व में 5वां सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला पार्क है ये। और जापान में ये टोक्यो डिज्नीलैंड और टोक्यो डिज्नी सी के बाद तीसरा सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला पार्क है ये। यूनिवर्सल स्टूडियो जापान की सबसे पहली लाइव एंटरटेनमेंट होता है ये। ओहायो गुजाइमास। कोनिच्वा, तनोशिंदे कुदासाई। और ये यूनिवर्सल स्टूडियो जापान का पहला लाइव शो होता है। वाइट शार्क जिसने अमेरिका के और बामास के लोगों पे अटैक करता है, जो फिल्म जोस के नाम से 1975 में एक हॉरर मूवी के नाम से आई थी। अगर आप इसकी बात करें तो इसने 80 मिलियन में मूवी बनी थी और $798.4 मिलियन इसने कमाया था। तो इसको मैं ज़्यादा आपके साथ शो नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इस पर कॉपीराइट का इशू आ सकता है। तो आप इस सीन को भी काफ़ी इन्जॉयमेंट कर सकते हैं, ऐसा लगता है जैसे आप नेचुरल मूवी के अंदर ही काम कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा इस सीन को देखकर भी।
थीम पे इस पे बनाया हुआ था, ये काफ़ी अच्छा था यार, मज़ा आया देखने पे, काफ़ी इंजॉय किया इस सीन को, तो आप भी आए कभी। तो अब आपको ले चलता हूँ वाटर वर्ल्ड, इसमें भी जो लाइव शो किया जाता है वो वाटर वर्ल्ड एक मूवी थी 1995 में आई थी, ये भी यूनिवर्सल की एक बहुत ज़बरदस्त मूवी थी। और ये अभी हम जा रहे हैं अंदर, तो इसमें आपको जो वाटर वर्ल्ड की जो मूवी थी 1995 में आई थी जो, तो उसके बारे में दिखाया गया है। ये इसका एंटर वाला गेट है, ये भी लाइव शो होता है इधर, मतलब जो उस मूवी में दिखाया गया है उसके हिसाब से 40 से 45 मिनट का होता है। ये देख लो आप पब्लिक कितनी बैठी हुई है इस समय इस सीन को एंजॉय करने के लिए। तो इसमें भी मैं आपको कुछ ज़्यादा दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि यूनिवर्सल स्टूडियो की कंपनी है, तो उसके ऊपर से मुझे कॉपीराइट का इशू आ सकता है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा दिखा नहीं सकता हूँ, इसलिए एक लास्ट के सीन को एडिट करूँगा इसमें। तो ये देख लो आप पब्लिक बहुत सारी आती है इसमें, और ये लास्ट का सीन है जो एंडिंग होता है, तो ये देख लो आप बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा लग रहा है जैसे आप नेचुरल मूवी को एंजॉय कर रहे हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी मूवी थी। अब जा रहे हैं साहब मारियो वाले में, देखते हैं कैसा मजा आता है। पानी जी इधर अब हम बैठ के किने आए तो इधर बैठे कहां बैठे हम मारियो 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 ये सीधे और ये जो मारियो वाला गेम था वो तो सब लोगों को पता है जिन्होंने मारियो गेम खेला होगा, तो कितना फेवरेट गेम था ये पहले, तो उसी के हिसाब से बनाया गया है। अगर आप इसके स्टूडियो में अंदर जाओगे तो सब मारियो जैसा एक जो नेचुरल फील होता है वो मिलता है आपको, तो कभी जब आप आओगे तो देखना इसे। ये देखो ये आप जो स्ट्रीट देख रहे हैं इस समय, ये इसके ऊपर से ये रॉयल कस्टर्ड चलता हुआ, लेकिन जिसका दिल कमज़ोर है तो प्लीज़ बैठना मत इसके ऊपर, बहुत डेंजर सीन होता है। दिल थाम के सब चीज़ मतलब आपको हर कुछ करना पड़ता है, तो काफ़ी इन्जॉयमेंट किया खुद मैं इसके ऊपर बैठा था, तो दिल थामने वाली बात है, अगर आप हार्ट के मजे रहे तो मत बैठना। और ये जो है जो हैरी पॉटर का जो मेन इंटर वाला गेट है, जो हैरी पॉटर मूवी आई थी उसके हिसाब से बनाया गया है ये, जैसे हैरी पॉटर मूवी तो सभी लोगों ने देख रहे क्योंकि, लेकिन अगर उसको नेचुरल फील करना है तो इसके अंदर जो यूनिवर्सल स्टूडियो ने बनाया है, मतलब अगर यूनिवर्सल स्टूडियो में कुछ है तो वो सबसे ज़बरदस्त सीन हैरी पॉटर का है, मतलब आप जैसे हैरी पॉटर मूवी में दिखाया जाता है ऐसी आप उसके कार्ड होते हैं जो इसके अंदर बने हुए उसके ऊपर बैठ के ये देख लो आप, बढ़िया मज़ा आता है। तो काफ़ी कुछ अच्छा है इसमें, मतलब आप बच्चों के साथ या फैमिली के साथ आते हैं तो काफ़ी इन्जॉयमेंट कर सकते हैं आप। तो टोटली कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि मतलब पूरा पैसा वसूल वाला काम है इसमें, मज़ा आता है
यूनिवर्सल स्टूडियो की जितनी भी मूवियाँ हैं उसके सारे थीम्स आपको इसके अंदर मिल जाएंगी। मतलब आप हर चीज़ को इन्जॉयमेंट कर सकते हैं इसके अंदर। स्पाइडरमैन बोलो, निंतांजो बोलो, जो मर्जी बोलो, मतलब इसमें कुल मिला के दो लाइव शो चलते हैं और ज़्यादातर इसमें जो थीम्स बेस पे बने होते हैं, जैसे स्पाइडरमैन हो गया, कुछ भी हो गया, जैसे स्टार वॉक हो गया, कुछ भी, मतलब आप, मैं आपसे बयान कर नहीं सकता हूँ कि मुझे खुद ही, मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ कि काफ़ी अच्छा लगा मुझे, तो इसीलिए मैं आपसे ये बातें शेयर कर रहा हूँ। अगर आप कोई भी लोग जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप कभी भी आते हैं तो आप मतलब यूनिवर्सल स्टूडियो आप इंजॉय कर सकते हैं। मैंने खुद इस चीज़ को फील किया है, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर किया है। इसमें कुछ दो सीन मैंने इसलिए काटे हैं क्योंकि मुझे कॉपीराइट का क्लेम आ सकता है, इसलिए मैंने काटे हैं। तो काफ़ी अच्छा है, मतलब कुल मिला के जैसे स्पेस पेंटिस हो गए, इसमें भी अगर आप बैठोगे तो वो तेरे क्या कहने वाली बात हो जाती है। तो आइए कभी आप लोग कुछ भी कहीं से भी हो दुनिया में, यूनिवर्सल स्टूडियो अब तो सिंगापुर में भी है। और दोस्तों इस समय होगी शाम की 6:30, सारा घूमते घूमते बड़ा टाइम हो गया, फिर भी सारा कुछ नहीं देख पाए यूनिवर्सल स्टूडियो के अंदर। तो नमस्ते, बाय बाय, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ।